मेरी पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट विमेन है। इसका इंस्पिरेशन बचपन में मेरे गांव की औरतों में है। उनकी स्ट्रेंथ मुझे इंस्पायरिंग लगती है। जिंदगी में इतनी कठिनाई होने के बाद भी उनका स्वभाव शांत रहता है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन सगरे है। मेरा जन्म उत्तर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में वाखरी गांव में हुआ। गांव के पास मंदिर में अक्सर मैं विमेंस को देखता था, जो फ्लावर्स लेके बैठी हुई है, गप्पे मार रही है, नदी में दिए जला रही है। पूरा दिन घर का और खेती का काम करने के बाद उनको जो थोड़ा सा वक्त मिलता था एक दूसरे का सुख दुख शेयर करने के लिए, वो वहाँ पर मिलती थी। लेकिन मुझे उनके चेहरे पे कभी भी कोई दुख या दर्द नहीं दिखता था। इस चीज़ का काफ़ी इम्प्रेशन मेरे मन के ऊपर रहा है, इसीलिए मेरी पेंटिंग का मुख्य सब्जेक्ट विमेन है। गांव में मैं साइन बोर्ड बनाना, मंदिर के ऊपर चित्र बनाना, ये सब करता था। एक साल की पढ़ाई के लिए मैं कोल्हापुर गया। वहाँ के आर्ट वातावरण से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया। आगे की पढ़ाई मैंने पुणे के अभिनव चित्रकला महाविद्यालय में कंप्लीट की। 2005 में मैं काम के लिए मुंबई गया। वहाँ धीरे धीरे आर्ट का करियर आगे बढ़ता रहा। एक दिन मेरी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर से हुई। उनके साथ कुछ साल मैंने स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। वहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मैं काफ़ी स्पॉन्टेनियस पेंटर हूँ। पहले मैं चारकोल से कैनवास के ऊपर ड्राइंग करता हूँ, जिससे मैं नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेसेस मार्कआउट करता हूँ। उसके बाद मैं रोलर से ट्रांसपेरेंट कलर अप्लाई करता हूँ, जिससे फिगर स्टैंड आउट हो जाते हैं। बैकग्राउंड में एब्स्ट्रैक्शन में मैं हेवी लोडिंग के लिए नाइफ या रोलर का यूज़ करता हूँ। फेस के ऊपर का जो लाइट है वो अचीव करने के लिए 8 या 10 लेयर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। विमेन की ज़िंदगी में जो कष्ट और कठिनाई है वो मेरा एब्स्ट्रैक्शन है। उन सारी परेशानियों से उबर कर वो बाहर आती है। उनकी सादगी और शक्ति को फोरग्राउंड की फिगर में मैं प्रेजेंट करता हूँ। मेरा ये मानना है कि वुमन का समाज में मर्द से कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और मैं अपने पेंटिंग के जरिए एक तरीके से उनका सम्मान करना चाहता हूँ। मैंने जब आर्ट फील्ड में अपना करियर बनाया, मेरा सपना था मेरा स्टूडियो मुंबई की चहल पहल से दूर पहाड़ों के बीच हो। अब मेरा स्टूडियो गोवा में पहाड़ों के बीच पानी के नहर के पास प्रकृति से घिरा हुआ है। इस शांत वातावरण का मेरे काम के ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है। सुबह मैं पंछियों के आवाज़ के साथ उठता हूँ, पीछे पहाड़ों में जाके मेडिटेशन करता हूँ, सोचता हूँ अपने काम को और बेहतर कैसे बनाऊँ। मेरी पेंटिंग के जरिए मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि अपनी गांव की विमेंस की अनसुनी कहानियां अब सब तक लेके आ जाऊँ।